नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो सियासी माहौल पसरा हुआ है, लेकिन उस सियासी माहौल के बीच में त्योहार का माहौल भी अपने पूरे रूपरेखा के साथ में एंट्री लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा जल्द शुरू होने वाले 2022 का। यहाँ आपको एक और चीज बताते चले कि जिस तरीके से हमने देखा कि COVID-19 के समय पर, पूरे महामारी के समय पर जब देश जूझ रहा था, तो उस समय कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया गया था और 2 साल के बाद में फिर से एक बार कांवड़ यात्रा की जो नई एंट्री आई है, उस एंट्री के साथ में बहुत सारे गाइडलाइंस भी देखे जा रहे हैं। चलिए अब इस गाइडलाइंस को लेकर के बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कांवड़ यात्रा को लेकर के। कांवड़ यात्रा को लेकर के अगर आप भी जाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा पर, तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपको सारे गाइडलाइंस पता हो और रास्ते में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ यहाँ पर फरहान मौजूद है। फरहान इस पूरे मामले को लेकर के आपको जानकारी देंगे, तो चलिए फरहान से जानते हैं कि फरहान, क्या नई गाइडलाइंस आई है सीएम योगी के द्वारा। देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा में जो भी लोग जाते हैं, आप देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ होती है जी। तो भीड़ भले ही ज्यादा होती है, लेकिन कई समूहों में लोग आते हैं, तो सभी समूह को यह करना है कि नज़दीकी थाने या चौकी में एक अपने नामों की सूची देनी है और किसके नेतृत्व में जा रहे हैं, किसके साथ ये समूह जा रहा है, और जिसके साथ वह समूह जा रहा है उसके पास भी एक सूची होगी कि आखिर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है जी। और उसके साथ ही यदि आप कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं तो आपके पास अपना आईडी कार्ड एक होना चाहिए, चाहे वह आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, आपकी एक पहचान होनी चाहिए पुख्ता कि आप कौन है और कहाँ पे रहते हैं जी। और यह सब करते हुए, और ये सभी के लिए है, और उत्तराखंड के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे मुजफ्फरनगर की बात करें और भी अन्य क्षेत्र हैं जी, तो यहाँ इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान आसपास दुकानें होती हैं जो पहले से भी नहीं होती है, तो नई दुकानें लग जाती हैं कि उनको लगता है कि एक बार भारी भीड़ जा रही है और रात भर लोग वहां से निकलते चलते रहते हैं, तो अपनी कमाई के लिए तमाम लोग दुकानें लगा लेते हैं जी, जी। तो सरकार का कहना है और पुलिस अधिकारियों का भी यह कहना है कि आप उस दुकान में कोई भी सामान रखें, लेकिन कोई ऐसा सामान ना हो कि जिसको हथियार के रूप में यूज किया जा सके, क्योंकि तमाम ऐसी यात्राएं होती हैं या फिर जलसे होते हैं, रैली होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक हिंसा देखने को मिल जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई गाइडलाइंस बनाई गई है और जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस गाइडलाइंस पे यदि आप नहीं चलते हैं और आप पकड़े जाते हैं किसी हिंसा में, तो कहीं ना कहीं आपको अपराधी माना जाएगा। तो इस गाइडलाइंस को जो भी कांवड़ यात्रा में, जो भी कांवड़िया जाना चाहता है, जो भी श्रद्धालु जाना चाहता है, तो कम से कम इतनी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो वह दुकानदार है जो कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी वहां दुकानें लगाते हैं कि हम कुछ वहां से कमाई कर लेंगे, तो उन्हें भी कोई ऐसा सामान नहीं रखना है कि जैसे छोटा चाकू हो या फिर कोई डंडा हो, लाठी हो, ऐसा कोई सामान नहीं रखना है कि जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके। बिल्कुल फरहान जी, यहाँ पर मतलब इस बात का साफ तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो पूरे देश में इस वक्त माहौल खराब चल रहा है, पूरे देश में जो आगजनी कांड होते रह रहे हैं और जो यहाँ पर दंगे फसाद की जो कभी भी शुरू हो जाते हैं, कभी भी किसी को भी जलाने का कार्यक्रम हो जाता है, कहीं भी तलवारें लहराने लगती है, तो इन तमाम मुद्दों पर इस यात्रा पर कोई असर ना पड़े, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे रामनवमी का जुलूस हो या फिर कई प्रकार के प्रदर्शन चल रहे थे, तो प्रदर्शनों को लेकर तो देखिए गाइडलाइन बन नहीं सकती है, प्रदर्शन कभी भी होने लगते हैं, लेकिन कोई धार्मिक जुलूस हो, जैसे मुहर्रम भी नजदीक आ रहा है, तो योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर भी, और उस वक्त कांवड़ यात्रा भी जारी रहेगी मुझे लगता है, तो उसको लेकर भी पुलिस अधिकारियों को और उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब कार्य किए जाते हैं, उनसे भी कहा गया है कि यहाँ बहुत सुरक्षित रखा जाना है, क्योंकि दो त्योहारों का एक साथ होना कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंसा होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यह नहीं कि श्रद्धालु ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं, जो अराजक तत्व हैं ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं और इन्हीं मौकों पर वह अराजकता फैला देते हैं, जिससे यह पुख्ता नहीं हो पाता है कि असल में अराजकता किसने फैलाई थी। तो इसको लेकर इसमें भी गाइडलाइंस बनाई गई है, और देखिए ये कितना अच्छा कानून बनाया है कि
यदि आप अपना नाम दर्ज करा देते हैं कि हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, इसके नेतृत्व में जा रहे हैं, उस समूह के साथ हैं, आप अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, अब वहाँ पर कोई हिंसा होती है, कोई मारपीट हो जाती है, पथराव हो जाता है, जिसे धार्मिक हिंसा को का रंग दिया जाता है जी, तो वहाँ पर यह हो जाता है कि यदि कोई उसमें अपराधी पकड़ा जाता है, दोषी नहीं अपराधी, यदि कोई पकड़ा जाता है उस पर आरोप लगते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की होगी जी। तो देखिए उसका नाम पहले ही लिस्ट में देखा जाएगा कि उसका नाम है या नहीं है। दोनों लिस्टों में उसका नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठेगी कि जब गाइडलाइन से आपको बता दी गई थी पहले ही तो आपने अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया। देखिए यदि यहाँ पर कोई अपना नाम धोखे से भी दर्ज नहीं करवा पाता है तो कहीं ना कहीं उसे शक की निगाह से देखा जाएगा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अब हिंदू रैली निकल रही है या यात्रा निकल रही है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के कुछ अराजक लोग हो सकते हैं जी। कुछ हिंदू समुदाय के ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि उनको रैली में किसी से दुश्मनी है, उस यात्रा में उन्हें लगता है कि आज हम कोई हिंसा कर देते हैं कल मुस्लिम समुदाय कहीं ना माना है। बिल्कुल। तो यह दोनों समुदाय में ही जो अराजक तत्व होते हैं तो इनकी पहचान करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा नियम है योगी सरकार का। और यह नियम मुझे लगता है कि हर धार्मिक जुलूस में, जितने भी धार्मिक जुलूस होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ इस नियम को रखा जाना चाहिए कि वहाँ पे जो भी शामिल होने वाला है उसे समूह में आना चाहिए और वह किस उस समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है यह भी पुख्ता होना चाहिए। तो इससे यह हो जाएगा कि चाहे 1 लाख की भीड़ हो या 50 लाख की भीड़ हो, वहाँ पर यह नहीं होगा कि आखिर यह व्यक्ति बीच में कहाँ से आ गया। यदि किसी को चिन्हित किया जाता है तो उसका नाम देखना जरूरी होगा, किसके साथ आया था। जिसके साथ आया होगा फिर उसको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी वहाँ की, आपके साथ व्यक्ति आया था जी। फरहान तो जी बस धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। तो आप जिस तरीके से धार्मिक भावना को अगर आहत कोई पहुँचा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए योगी सरकार जो है एक ये नियम लेकर के आई है। तो इस नियम पर आगे आप भी ध्यान रखिएगा कि आप भी अगर कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो आपको भी पूरी जानकारी देनी है, वहां पर अपनी पूरी डिटेल्स पहुंचाइएगा ताकि अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो उस सामने वाले आरोपी के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई जरूर हो। और इसके अलावा आप अपने पहचान पत्र को ले जाना बिल्कुल भी ना भूले। एक आखिरी सवाल लेकिन चाहूंगी कि इसका जवाब आप बेहद ही छोटा दें। ये सवाल ये है कि इस पूरे मामले में अगर योगी सरकार की हम नीतियों को देखें यात्रा को लेकर के, तो क्या कुछ फायदे जो है वो लोगों को मिलेंगे? देखिए फायदे यही है कि काफी लोग श्रद्धा के भाव से जाते हैं यात्राओं में और काफी अराजक तत्व भी होते हैं। देखिए यदि किसी समूह में कोई अराजक तत्व है और वह समूह जिसके नेतृत्व में आया है तो उसको मालूम होगा कि हमारे समूह में कौन सा अराजक तत्व था, वह उसके खिलाफ बाद में गवाही भी देगा। और यदि वह अराजक तत्व किसी समूह से नहीं है तो यह साबित हो जाता है कि वह उस यात्रा का हिस्सा ही नहीं था और यह बीच में अराजकता फैलाने के लिए ही आया था। तो आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा, आसानी से दोषी जो होंगे उनको सजा दी जा सकेगी और जो पीड़ित लोग होंगे उन्हें इंसाफ भी मिल सकेगा। बिल्कुल धन्यवाद आपका फरहान जी इस पूरी जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने तमाम जानकारी आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी दी है। अब इस यात्रा से अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर से कोई जा रहा है तो भी आप इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वहां पर जाने से पहले उनके पास पूरी जानकारी हो कि क्या नए नियम आए हैं और किन नियमों में बदलाव किया गया है। कोविड के बाद आप यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा आपकी अच्छी हो, मंगलमय हो, इसकी कामना हम भी करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपके परिजनों में से कौन कौन इस यात्रा पर जाने वाला है। अगर इसके अलावा भी आपको मन में कोई भी सवाल है इससे जुड़ी हुई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। इस तमाम यात्रा के जो भी नए गाइडलाइंस आए हैं उसको लेकर के भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख करके जरूर भेजिएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।